एम्बुलेंस कर्मचारियों का हल्ला बोल, एम्बुलेंस कर्मचारी का कार्य बहिष्कार जारी है। आपको बता दें कि कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। फार्मासिस्ट भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एम्बुलेंस कर्मचारियों का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा जयपुर से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो एम्बुलेंस कर्मचारी है उनका आज कार्य बहिष्कार देखने को मिलेगा। कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। तो जो फार्मासिस्ट है वो भी देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जयपुर से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो एम्बुलेंस कर्मचारी है वो हल्ला बोल करते हुए नजर आएंगे। एम्बुलेंस कर्मचारी का जो कार्य बहिष्कार है आज भी जारी रहेगा। पिछले कई दिनों से जो ये कर्मचारी है देखिए कार्य बहिष्कार किए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फार्मासिस्ट भी धरना प्रदर्शन आज करेंगे। तो एम्बुलेंस कर्मचारियों का आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। जो एम्बुलेंस कर्मचारी है पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर है और आज भी जो है वो कार्य बहिष्कार करेंगे और धरना जारी रहेगा। जो फार्मासिस्ट है वो भी आज धरना प्रदर्शन करेंगे। तो श्री गंगानगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पानी की टंकी पर जो डीलर्स हैं वो चढ़े हैं। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन भी टंके पर प्रॉपर्टी डीलर्स चढ़े रहे। प्रॉपर्टी डीलर्स ने दूसरी रात भी टंकी पर ही गुजारी है। प्रशासन की समझाइश के बावजूद कोई सहमति नहीं बनी है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर टंकी के नीचे जाल लगाया है। भगत सिंह चौक के पास भूखंड को लेकर के ये विवाद चल रहा है। तो देखिए जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। श्री गंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो टंकी पर चढ़े रहे और यहाँ पर समझाइश की जा रही है, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो मानने को तैयार नहीं है। पानी की टंकी पर चढ़े हुए है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने दूसरी रात भी टंकी पर ही गुजारी है और प्रशासन समझाइश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं लगातार दूसरे दिन भी पानी की जो टंकी है उस पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। समझाइश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार दूसरी रात प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा पानी की टंकी पर ही गुजारी गई, बल्कि शनिवार की शाम को जब दो प्रॉपर्टी डीलर चढ़े तो कल दोपहर में एक अन्य व्यक्ति भी पानी की टंकी पर चढ़ गया। तो ऐसे में कुल तीन लोग पानी की टंकी पर लगातार चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगभग आधा दर्जन से बार उनसे समझाइश करने के लिए वार्ता की गई, लेकिन सभी बार वार्ता बेनतीजा रही। टंकी पर चढ़े तीनों लोगों के द्वारा एक नगर पालिका के स्वामित्व का भूखंड से अपना स्वामित्व हटाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जिसने भूखंड का कब्जा किया हुआ था उससे लाखों रुपए का भुगतान कर भूखंड खरीदा है और वहीं नगर पालिका उसे अपना भूखंड बताकर उस पर अपना स्वामित्व का बोर्ड लगा चुकी है। तो ऐसे में टंकी पर चढ़े दोनों प्रॉपर्टी डीलर सहित कुल तीन लोगों के द्वारा नगर पालिका से मांग की जा रही है कि वो उस भूखंड से अपने नगर पालिका के स्वामित्व का बोर्ड हटाए और उसका कब्जा प्रॉपर्टी डीलर्स को सौंपे ताकि उनका लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा जा सके। फिलहाल शहडोल शहर की शिववाटिका में पानी की टंकी पर नौटंकी लगातार जारी है। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, न केवल इन तीन लोगों के लिए जो कि टंकी पर चढ़े हुए हैं बल्कि आसपास के लोगों में भी काफी पैनिक क्रिएट हो रहा है। जी आयुषी, बिल्कुल अशोक, देखिए कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है लेकिन विफल नजर आ रही है। क्या आज भी फिर से इनको समझाइश करने की कोशिश की जाएगी? देखिए जिला प्रशासन लगातार शनिवार की शाम जब ये टंकी से चढ़े थे और कल देर रात तक लगातार प्रयास कर रहा है कि इनको समझाइश कर नीचे उतारा जाए और उसके बाद में इनके जो भी कोई मुद्दा है वो नगर पालिका प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से बैठकर उसको वार्ता के जरिए सुलझा लिया जाए। लेकिन टंकी पर चढ़े तीनों लोगों का कहना है कि पहले नगर पालिका अपना उस भूखंड से स्वामित्व वाला बोर्ड हटाए और उसका कब्जा इन लोगों को सौंपा जाए कि उन्होंने लाखों रुपए का भुगतान किया है। फिलहाल नगर पालिका अपने प्रशासन अपनी समझाइश की कवायद में जारी है, तो टंकी पर चढ़े तीनों लोगों की भी अपनी जिद पर अड़े रहने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन आज एक बार फिर से समझाइश का प्रयास करेगा, साथ ही साथ एहतियातन वहां टंकी के नीचे एक जाल लगा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी हो या किसी तरह का कोई वाद विवाद आगे बढ़े तो उसको
निपटाया जा सके। चलिए शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा में डेंगू का कहर जारी है। 24 घंटे में डेंगू के 28 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि डेंगू की चपेट में करीब 200 कोचिंग छात्र आए हैं। 150 से अधिक टीमें अब डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार डेंगू का जो कहर है बढ़ता ही जा रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अब डरावने वाले हैं। 200 कोचिंग छात्र अभी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और 150 से अधिक जो टीमें हैं वो सर्वे कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं। तो 24 घंटे में 28 नए मरीज सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोटा से। लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े हैं वो भी अब लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो केसेज हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए जो आंकड़े अभी डेंगू के सामने आ रहे हैं वो डरावने वाले हैं। अभी 24 घंटे के अंदर 28 नए मरीज सामने आए हैं। देखिए रविवार का दिन होने के बाद सैंपलिंग कम बताई जा रही, उसके बाद 28 जो है नए मरीज सामने आना चिंताजनक है। चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। कल जिला कलेक्टर खुद मैदान में उतरे थे और कोचिंग इलाकों में स्थिति भयानक कहा जा सकती है, क्योंकि कोचिंग के करीब 200 से अधिक बच्चे जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। डेंगू और स्क्रिप्टेक्स से एक कोचिंग स्टूडेंट जो छात्रा की 2-3 दिन पहले मौत भी हुई थी। बताया जा रहा है कि कोटा में डेंगू का DN2 जो स्ट्रेन वो है वो सक्रिय है और ये दूसरे की तुलना में बहुत ही घातक है। इसमें मृत्यु ज्यादा कही जा सकती है और फिर से ये लौट आया, क्योंकि बताया जा रहा है कुछ सालों पहले दिल्ली में इस तरह का जो है DN2 स्ट्रेन सक्रिय हुआ था, उस समय बहुत बड़ा घातक हुआ था। चिकित्सा विभाग अब लगातार 150 से अधिक जो टीमें मैदान में उतारी हुई है, डोर टू डोर सर्वे करने के साथ लोगों को जागरूक कर रही है और डेंगू की रोकथाम के जो तमाम प्रयास कर रही है वो कर रही है। लेकिन ये कहा जाता था कि फिलहाल तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। सबसे चिंताजनक जो बात कही जा सकती है वो कोचिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके परिजन ज्यादातर स्टूडेंट के परिजन साथ नहीं रहते। जब उनकी हालत बिगड़ती है उनको SDP की जरूरत रहती है, उनको कई तरह की जो है सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, उनके सामने चुनौती होती है वो कोचिंग संस्थान में जाए पढ़ाई करें और हॉस्टल में, क्योंकि अकेले रहते हैं। तो ये बड़ी एक चिंताजनक है। 200 से अधिक कोचिंग छात्र जब चपेट में आने के बाद चिकित्सा विभाग में महकमे में हड़कंप मचा हुआ और खुद जिला कलेक्टर कल मैदान में उतरे थे और वहां जागरूकता अभियान विशेष तौर से चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़े दिन बाद में डेंगू के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनमें कमी आएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा माना नहीं जा रहा है, क्योंकि 350 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई राजनेताओं ने इसमें चिंता जताई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि डेंगू कोटा में भयानक होता जा रहा है और डेंगू के साथ साथ स्क्रब्टाइपस और अन्य जो छोटी मोटी मोस्टली बीमारी है वो भी अब जो है सक्रिय होने लगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं देखिए वो डरावने वाले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। चलिए आप नजर बनाए रखिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश सरकार के स्मार्टफोन योजना हजारों युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। ब्यावर के रायपुर उपखंड में इस योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां कई ग्राम पंचायतों में योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जा रहे फोन के साथ ही लाभार्थियों की लिस्ट रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे साइबर अपराधियों के लिए इन बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान हो जाएगा। इस लिस्ट में लाभार्थी महिलाओं और बेटियों के मोबाइल नंबर, जनाधार नंबर और एड्रेस भी दर्ज है। ऐसे में महिलाओं और बेटियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने से उनके दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में पर्सनल डाटा सार्वजनिक करने पर उनके परिजनों और लाभार्थी महिलाओं ने भी आपत्ति जताई है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रायपुर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने मामले में कार्मिकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जो मोबाइल वितरण हो रहा है उसके साथ साथ जो युवतियों और महिलाओं के डेटा लीक हो रहा है और उनके नंबर लीक हो रहे हैं, वर्तमान में जो महिलाओं की असुरक्षा की जो स्थिति है राजस्थान में, उस हिसाब से ये होना बहुत ही खतरनाक है और सरकार को इस पे तुरंत रोक लगानी चाहिए।
तो भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। बयाना की झील चौकी इंचार्ज एसआई खुशीराम को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआई का पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने ये कार्रवाई की। व्यक्ति और बेटे को केस से बाहर निकालने के लिए लेन देन किया गया था। मुकदमे से बाहर निकालने की बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि वीडियो में एसआई पैसे लेते और गिनते नजर आ रहा था। तो देश भर में बड़े रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प चल रहा है। ये कायाकल्प अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। इसमें जयपुर जंक्शन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, खातीपुरा रेलवे स्टेशन शामिल है। इसमें रेलवे ने आम आदमी का सहयोग मांगा है जो रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं। इन लोगों की रेलवे बकायदा एक परामर्शदात्री समिति बनाएगा जिसके निर्देश दे दिए गए हैं और इनसे विकास को लेकर के सलाह मशवरा भी किया जाएगा। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार, विकास और निर्माण कार्य में सुझाव मांगे जाएंगे। इस समिति में आपको बता दें कुल 11 सदस्य होंगे। रेलवे की ये पहल सुखद है और इससे रेलवे स्टेशनों को और बेहतर बनाने में अब मदद मिलेगी। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और उत्कृष्ट सुविधा देने के क्रम में रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्टेशनों पर स्टेशन सलाहकार समिति का गठन किया जाए। ये स्टेशन सलाहकार समिति जो है मंडलों को भी निर्देश दिया गया है कि हर स्टेशन पर बनाए और इनमें जो है शहर के और स्टेशन के आसपास की जो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और जो प्रोमिनेंट सिटीजन है वहाँ के, उनको भी शामिल किया जाएगा। और इसका उद्देश्य यह है कि जो स्टेशन पर जो यात्री सुविधा है उसमें बढ़ोतरी किया सके। इसको ये भी मैंडेट किया गया है कि साल में इसकी 3 मीटिंग की जाएगी और जो ये कंसल्टेटिव कमेटी होगी जो कि सुझाव देगी कि क्या क्या स्टेशन पर सुविधाओं को और बढ़ोतरी किया जा सके। तो सीकर शहर के कहारों की ढाणी में कल शाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार चल रहा है। ये दरबार देर रात तक चला। इस दौरान उन्होंने भक्तों को कई तरह की बातें बताई, कुछ अर्जी भी सुनी। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भारत में क्या करना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए, राम राज्य का भारत हिंदुस्तान चाहिए। कौन कौन पागल है राजस्थान का, बागेश्वर बालाजी का, कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है। तो ताली कौन बजाएंगे, वेस्ट इंडीज को है। न्यू जर्सी के रॉबिन्स विले में बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम में एक ऐतिहासिक क्षण रहा जब रक्षाबंधन के शुभ दिन पर बीपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम की कलश पूजन का महत्वपूर्ण अवसर पर बीएपीएस स्वामी नारायण संस्थान के आध्यात्मिक नेता परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान भावुक स्वयं सेवकों ने, जिनकी आंखें आंसुओं से धुंधली थी, अपनी वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रार्थनाओं के फल को जीवन में आते देखा। अक्षरधाम यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण का जश्न मनाते हुए पूरा परिसर प्रत्याशा और खुशी से गूंज उठा। कलश का पवित्रीकरण स्वामीनारायण अक्षरधाम के शीर्ष को सुशोभित करने के लिए नियत किया गया। 12 वर्षों में अक्षरधाम के निर्माण में सामूहिक रूप से लाखों घंटों का योगदान देने वाले स्वयंसेवकों के लिए यह आयोजन उनके दिवंगत आध्यात्मिक नेता परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज की एक ऐसी जगह बनाने की इच्छा की पूर्ति का प्रतीक है। निधि कलश जो अक्षरधाम के आधार पर है को 2011 में प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिष्ठित किया गया था। आज शिखर बिंदु का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े अमृत कलश को परम पावन महंत स्वामी महाराज द्वारा पवित्र किया गया, जिन्होंने पूजन किया। तो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का रोमांच जारी है। करौली के राजीव गांधी खेल संकुल के इंडोर हॉल में कबड्डी का फाइनल मुकाबला खेला गया है जिसमें हिंडौन ग्रामीण ने करौली क्लस्टर को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी रमेश चंद्र गुप्ता, खेल प्रभारी कन्हैयालाल शर्मा, समन्वय के मुरारी लाल और ब्लॉक प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे।
मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मैच में शारीरिक शिक्षक वेदरत्न जैमिनी, विनोद जाट, महेंद्र गौतम भी मौजूद रहे। चले फिलहाल